हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 10S के 60 प्लस यानी कि 60 से भी ज़्यादा टिप्स और ट्रिक बताएंगे। यकीन मानिएगा इस, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप कोई भी इन्फिनिक्स का फ़ोन उसको आप काफ़ी मस्त यूज़ कर सकेंगे, उसकी सारी सेटिंग्स को आप जान जाएंगे और आसानी से यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। ज़रूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं दोस्त। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐप को आप कैसे हाइड कर दें गाइस, जो कि किसी को सोना हो, तो गाइस ऐसे पिंच आउट कीजिए और फिर यहाँ पे मेन्यू में आपको जाना होगा। इस पे जाने के बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा हाइड ऐप्स का, एज यू कैन सी। इस पे टैप करेंगे, उसके बाद से गाइस यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लेंगे। सिंपली हैच यूज़ करके आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना होगा डबल हैच से। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद से आप सिक्योरिटी का आंसर दे दीजिएगा। अगर आप पासवर्ड भूलते हैं तो आप सिंपली उसको ऐड कर सकते हैं, मतलब इनेबल कर सकते हैं पासवर्ड को। और यहाँ पे आने के बाद गाइस ऐड पे क्लिक करेंगे और सिंपली कोई भी ऐप को आप हाइड कर सकते हैं। फिर उस पे देर तक टैप करेंगे और गाइस सिंपली अनहाइड भी कर सकते हैं आसानी से। तो गाइस ऐसे करके आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं दोस्त। अब दोस्तों, सेकंड फीचर के लिए हमें जाना होगा सिंपली सेटिंग, और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे गाइस हमको सर्च करना होगा थेफ्ट अलर्ट, एज यू कैन सी TheftAlert। यहाँ पे गाइस इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको इनेबल कर देंगे। और गाइस जब भी आप चार्ज में लगाएंगे तो कोई भी अगर आपका फ़ोन चार्ज से निकालता है तो यहाँ पे अलार्म बजने लगेगा। वैसे ही गाइस यहाँ पे हेडफोन के लिए भी दिया गया, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो हेडफोन से भी कोई अगर आपका फ़ोन रिमूव करता है तो ये आपका फ़ोन अलार्म करने लगेगा, तो आपको पता चल जाएगा दोस्त। तो ये भी मस्त है ट्रिक। अब दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको टॉगल में देखने को मिलता है एक पिक प्रूफ नाम करके। यहाँ पे गाइस आप डिस्प्ले को उतना ही दूर यूज़ कर सकते हैं आप जितना सिलेक्ट करेंगे, एज यू कैन सी यहाँ पे। और राइट साइड में अगर आप पूरे मतलब एरो तक ले जाते हैं गाइस, बेजल्स तक, तो वहाँ पे ये पूरा डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे लेफ्ट में लाने पे लाइट जैसा आ जा रहा है और राइट में ले जाने पे पूरा डार्क हो जा रहा है। तो गाइस ऐसे करके आप इतने ही दूर में यूज़ कर सकते हैं ऐप्स को, और आपको मतलब जितना दूर देखना होगा उतना ही देख सकेंगे, बाकी डिस्प्ले ब्लैक रहेगा। तो ये भी काफ़ी सही फीचर है, अगर आप चाहें तो ऐसे करके इसको इनेबल करके खुद से यूज़ कर सकते हैं दोस्त। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो ये गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में देखने को मिल जाता है, जो नो नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है इस पर टैप करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगी। कितना नोटिफिकेशन कहाँ से आया, किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया, सारी जानकारी गाइस यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आप नोटिफिकेशन को रिमूव भी कर देते हैं तब भी। तो गाइस ये काफ़ी कमाल का फीचर है, इसको आप ज़रूर से इनेबल कर लीजिएगा दोस्त। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई भी ऐप्स को डबल करके यूज़ करने को, जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, तो सेटिंग में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको सर्च करना होगा एक्स क्लोन, XCLON, एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे। तो सिंपली ये सर्च करना होगा आपको सेटिंग में, इस पर टैप करेंगे तो जो भी सपोर्टेबल ऐप्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पे फिलहाल व्हाट्सअप ही सपोर्टेड है और फेसबुक भी है, बट हमारे फ़ोन में फेसबुक नहीं है, इसके वजह से नहीं दिख रहा है। बट व्हाट्सअप को आप आसानी से डबल करके यूज़ कर सकते हैं गाइस, तो ऐसे आप कर सकेंगे आसानी से दोस्त। अब दोस्त, यहाँ पे हमारा फ्लैश लाइट के लिए एक फीचर देखने को मिल जाता है। फ्लैश लाइट पे अगर आप ऑन करते हैं मतलब फ्लैश को, तो ऐसे टर्न ऑन हो जाता है। बट गाइस अगर फ्रंट में आपको इनेबल करना होगा फ्रंट वाला, तो ऐसे देर तक क्लिक करेंगे, उसके बाद से गाइस यहाँ पे फ्रंट को इनेबल कर सकते हैं और देखेंगे बैक वाला ऑफ हो गया। अब गाइस दोनों को सेम टाइम पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे बीच वाला जो देखने को मिला है 360 डिग्री, तो इस पर टैप करेंगे तो गाइस दोनों के तरफ जल जाएगा। तो ये काफ़ी सही है, अगर आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जैसे गाइस यहाँ पे हम यूट्यूब में जाते हैं और यूट्यूब में जाने के बाद गाइस कोई वीडियो एक हमें प्ले कर लेना होगा। जैसे गाइस ये वीडियो प्ले कर लेते हैं और ऐसे साइड से अगर आप खींचेंगे, राइट से या लेफ्ट से कहीं से भी खींचेंगे, तो ऐसा आपको बार देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से गाइस यहाँ से आपको वॉल्यूम का बार देखने को मिलता है, जिससे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखने को मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस प्ले देखने को मिलता है बैकग्राउंड में, इस पर अगर आप टैप कर देते हैं तो गाइस स्क्रीन ऑफ हो जाएगा बट आपका वीडियोस चलता रहेगा। और यहाँ पे गाइस सेटिंग देखने को मिल जाता है, उसके बाद से गाइस यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिजेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि यूट्यूब आप जब भी चलाएं तो यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिजेक्ट हो जाए। मैसेज डू नॉट डिस्टर्ब, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा गाइस। तो ऐसे आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही गाइस यहाँ पे आपको व्हाट्सअप का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, ऐसे टॉगल में आप व्हाट्सअप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सही है फीचर, इसको आप ज़रूर से यूज़ कर सकेंगे दोस्त। अब दोस्तों, नेक्स्ट फीचर के लिए हमें सेटिंग में जाकर सर्च करना होगा थंडर बैक, एज यू कैन सी TheftAlert,
यहाँ पे देखने को मिलता है। सिंपली इसको सर्च करेंगे, उसके बाद से गाइस कोई ऐसा आपको टॉगल देखने को मिलेगा। इससे ये होगा गाइस जब भी आप कोई भी वीडियो मतलब प्ले करेंगे, जैसे कि यूट्यूब में हम चलते हैं और यूट्यूब में जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम कोई एक वीडियो प्ले करते हैं और सिंपली गाइस अगर हम फिंगरप्रिंट जो सेंसर देखने को मिलता है इस पर दो बार अगर टैप करेंगे तो गाइस ये एक टॉगल में यूज़ होने लगा है। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे ये टॉगल में यूज़ होने लगा है। इसके साथ ही गाइस कोई भी आप ऐप यूज़ कर सकते हैं और फिर दो बार प्रेस करेंगे तो व्हाट्सअप वाला टॉगल में चला जाएगा और यूट्यूब बड़ा हो जाएगा। एज यू कैन सी डबल टैप में चेंज होता रहेगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है गाइस, ये सभी फोन्स में नहीं है, बट इन्फिनिक्स काफ़ी अच्छा फीचर दे रहा है। बट सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और स्मूथ कर दे तो काफ़ी सही हो जाएगा, ब्लॉटवेयर्स को कम कर दे तो भी मतलब मज़ा आ जाएगा दोस्त। और दोस्त यहाँ पे हमारे इन्फिनिक्स फ़ोन में मिलता है गेम जोन, जो कि काफ़ी कमाल का ये मतलब फीचर इसमें दिया हुआ है गाइस। इस पर मैंने एक डिटेल में बहुत ही अच्छे से हर एक फीचर को डिटेल में बताया है, तो गाइस ये वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे एसुस के बटन जैसे इसके वॉल्यूम बटन वर्क करते हैं, तो गाइस ये वीडियो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐप का जो आइकन है उसको चेंज कर दे, तो गाइस उसके लिए सिंपली एक्स थीम में आपको जाना होगा। यहाँ पे गाइस बहुत सारे आपको वॉलपेपर्स देखने को मिलते हैं, थीम्स देखने को मिलता है। एज यू कैन सी यहाँ पे वॉलपेपर आपको काफ़ी सही सही देखने को मिल जाते हैं और थीम भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से गाइस आप ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी सही है, आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अच्छे आइकन्स आप मतलब अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं, जिसको बेसिकली थीम बोलते हैं। ये मस्त चलता है। और गाइस अगर आप चाहते हैं कि फॉन्ट को चेंज कर दें, यानी कि जो भी टेक्स्ट देखने को मिलता है उसको चेंज कर ले, तो सिंपली गाइस इस पर टैप करना होगा और सिंपली फॉन्ट में जाएंगे और फॉन्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे कुछ आपको फॉन्ट्स दिए गए हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो गाइस इस पर सिंपली टैप करके आप इसको मतलब ओपन कर देंगे, उसके बाद से ये अप्लाई हो जाएगा दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट फीचर के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा जेस्टर, GESTURE। एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे एक्शन एंड जेस्टर के नाम से ये आता है, तो सिंपली गाइस इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं फीचर, सबसे पहले ये देखने को मिलता है टैपिंग वे गाइस, इसको आप इनेबल करते हैं तो फ़ोन जब लॉक रहेगा और डबल टैप डिस्प्ले पे करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, तो गाइस ये काफ़ी सही फीचर है। म्यूज़िक जेस्टर देखने को मिलता है गाइस, अगर डिस्प्ले आपका ऑफ रहे फिर भी आप चाहें तो म्यूज़िक को प्ले या पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं ऐसे करके गाइस, तो ये फीचर काफ़ी सही है दोस्त, अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और फिर गाइस इसके नीचे हमें और देखने को मिलता है ये एज़ यू कैन सी यहाँ पे ये थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, तो ये गाइस आसानी से आप मतलब फिंगरप्रिंट बोल रहा हूँ गाइस, स्क्रीनशॉट आप सिंपली ले सकते हो। उसके बाद ये मिलता है राइज टू ईयर, मतलब फ़ोन आए अगर और अपने कान के पास अगर आप फ़ोन को ले जाते हैं तो सिंपली कॉल रिसीव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जो दिख रहा है वीडियो में ऐसे आपको मतलब ये बता रहा है, तो ऐसे आपका मतलब रिसीव भी हो जाएगा कॉल अगर आप चाहेंगे तो। उसके बाद गाइस यहाँ पे मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो फ़ोन को सिंपली नीचे रख देंगे और फिर फ़ोन को ऐसे उठाएंगे जैसे कि वीडियो में उठा रहा है, तो ऑटोमेटिक ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे हमने फ़ोन रखा और इसको उठाया तो ये ऑन हो गया, तो गाइस ऐसे करके आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्त यहीं पे हमें मिलता है एक फ्लैश फॉर कॉल्स, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो जब भी कोई कॉल आएगा तो जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक होने लगेगा दोस्तों, इसको आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें तो टॉगल में हमें देखने को मिलता है अल्ट्रा पावर, इस पर गाइस अगर आप इसको मतलब सिंपली इनेबल करते हैं तो ये अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में चला जाता है, इससे आपकी बैटरी की काफ़ी ज़्यादा बचत होगी और कुछ ऐप्स ही आप यूज़ कर सकते हैं गाइस। आप देखेंगे नोटिफिकेशन पैनल भी नहीं आ रहा है, ये सभी ऐप्स को आप नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो कुछ कुछ ऐप्स यूज़ करेंगे अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं उस टाइम पर इसका यूज़ कर सकेंगे और बैटरी को आप थोड़ा सेव कर सकेंगे। और यहाँ पर निकलना होगा तो सिंपली इस पर टैप करेंगे और ये फिर से आ जाएंगे अपने नॉर्मल डिस्प्ले पर, तो गाइस ये ऐसे करके आप थोड़े से बैटरी की इन्हेंस कर सकते हैं। यहाँ पर गाइस डार्क थीम भी देखने को मिल जाता है, एज यू कैन सी दोस्त ऐसे करके आप डार्क थीम का यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही गाइस यहाँ पे मिलता है वन हैंडेड यूज़, इस पर अगर आप इनेबल करते हैं तो सिंपली गाइस एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं, बड़ा फ़ोन है इन्फिनिक्स का तो आप चाहे तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं वन हैंड। आप देखेंगे डिस्प्ले छोटा हो गया, मतलब फ़ोन के काफ़ी हिस्से तक मतलब सीमित रह जाता है डिस्प्ले, तो ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, राइट लेफ्ट कर सकते हैं, अगर लेफ्ट हैंड से हैं तो इस साइड कर सकते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट चाहें तो आप कर सकते हैं, तो ये भी गाइस काफ़ी सही फीचर देखने को मिल जाता है। और जैसा कि गाइस यहाँ पे मैंने बताया थेफ्ट अलर्ट का यहाँ पे भी टॉगल देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें मिलता है नियर बाई शेयर, जो कि ये काफ़ी कमाल का है, ये एंड्रॉयड 11 का फीचर है गाइस, इसके थ्रू आप किसी भी फाइल को काफ़ी तेज़ी से मतलब फॉरवर्ड कर सकते हैं दूसरे फ़ोन में और ये सभी फ़ोन्स में देखने को मिल जाता है।
आता है। तो गाइस ऐसे करके आप सिंपली इसको सेटअप करके सेंड कर सकते हैं फाइल्स को काफी तेजी से। तो प्रूफ के लिए गाइस यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो भी सेंड करके दिखाता हूँ। जैसे गाइस यहाँ पे टर्न ऑन कर दिए हम सिंपली इन्फिनिक्स में, और यहाँ पे 9 प्राइम से या कोई भी आपके पास फोन हो, सभी फोन में फिलहाल ये आ गया। तो सिंपली यहाँ से शेयर करेंगे और फिर से यहाँ पे नियर बाई शेयर पे क्लिक करेंगे इस पे, और यहाँ से गाइस देखेंगे ये आ गया हमारा। यहाँ पे भी टर्न ऑन करेंगे, ओके करेंगे और ये सर्चिंग करने लगा। एज यू कैन सी यहाँ पे ये तो देख सकते हैं दोस्त, ये मतलब फिर से मतलब आपको पहली बार जो है ना उसको सेटअप कर लेना होगा, उसके बाद से एक बार जब सेटअप हो जाएगा तो आ जाएगा। एज यू कैन सी यहाँ पे आ गया हमारा और इस पे हमने टैप कर दिया दोस्त। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो सिम ये पता नहीं क्यों इतना लेट ले रहा है, बट गाइस आ गया फाइनली। तो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे और देखेंगे ये काफ़ी तेज़ी से ये फाइल को फॉरवर्ड कर दिया। तो ये गाइस ऐसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि काफ़ी कमाल का देखने को मिलता है, वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी के फ़ोन से आप वाईफाई से कनेक्टेड हैं और गाइस अगर चाहें तो उसके डाटा को आप अपने हॉटस्पॉट को इनेबल करके शेयर कर सकते हैं। एज यू कैन सी वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज़ हो रहा है। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे मी 10T से अभी इन्फिनिक्स मतलब अटैच है, कनेक्ट है, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे हम 9 प्राइम से इन्फिनिक्स को कनेक्ट कर दिए। तो गाइस यहाँ पे देखेंगे एज यू कैन सी मतलब ऐसे आप डाटा शेयर कर सकते हैं दूसरे का भी। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है और वैसे ये रेडमी 9 प्राइम में भी देखने को मिल जाता है दोस्त। और दोस्त अगर आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने को तो यहाँ पे एक देखने को मिल जाता है साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बट गाइस यहाँ पे काफ़ी कम फीचर्स हैं, मतलब साउंड जो है वो गेम का रिकॉर्ड ही नहीं होता, बस जो बोलेंगे वो रिकॉर्ड हो सकता है वरना कोई साउंड ही नहीं। तो गाइस इस पे मैंने काफ़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है, तो गाइस वो वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा, उसके बाद आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्त। अब दोस्त अगर आपका फ़ोन का जो वॉल्यूम बटन है वो ख़राब हो जाए तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं? तो सिंपली गाइस यहाँ पर राइट या लेफ्ट से कहीं से भी आप स्वाइप देर तक किए रहेंगे तो यहाँ पे गाइस आपको एक टॉगल देखने को मिलेगा और यहाँ से आप वॉल्यूम के बटन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस अगर वॉल्यूम की बटन ख़राब भी हो जाए तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फीचर है दोस्त, आप इसको ज़रूर से इनेबल कर लीजिए। अब दोस्त अगर आप चाहते हैं OTG का यूज़ करें, जैसे कि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले में नहीं दिया है बट यहाँ पे इसमें मतलब इस फोन में देखने को मिल जाता है, सिंपली आप OTG सर्च करेंगे और यहाँ से गाइस मोर कनेक्शन में जाएगा और यहाँ पे आप सिंपली इसको इनेबल कर सकते हैं। अब आप डाटा को शेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि और इन्फिनिक्स में नहीं है ये फीचर। अगर दोस्त आप चाहते हैं आपकी अपने फ़ोन को थोड़ा स्मूथ यूज़ किया जाए तो गाइस सिंपली सेटिंग में जाकर डिस्प्ले वाले सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलता है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, ये गाइस सिर्फ इन्फिनिक्स हॉट 10S में ये यहाँ पे 90Hz को सिलेक्ट कर सकते हैं। 90Hz पर आप जो फ़ोन है वो काफ़ी मतलब स्मूथ चलेगा, और ये ऑटो वाले पे अगर आप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी 90Hz चलेगा और जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ नॉर्मल 60Hz जाएगा। तो गाइस आप सिंपली इसको इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे गाइस जाएंगे सिस्टम वाले ऑप्शन में। सिस्टम में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है सिस्टम नेविगेशन। तो गाइस सिस्टम नेविगेशन का मतलब ये हुआ कि आप फुल डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि देखेंगे मैं बटन यूज़ नहीं करता, अगर आप चाहें तो बटन का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली गाइस यहाँ पे अगर आप बटन को यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप फुल डिस्प्ले का मज़ा लेना चाहते हैं तो गाइस सिंपली आप ऊपर वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जेस्टर नेविगेशन को, और गाइस ऐसे आप देखेंगे यूज़ कर सकेंगे बिना बटन्स का। तो ये गाइस काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसको ज़रूर से इनेबल कर लीजिए। और दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जो कि मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के नाम से। गाइस अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब कि लॉक रहने के बाद भी डिस्प्ले ऑन रहे, तो गाइस इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद से आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यूज आसानी से कर सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात करें जो कि देख सकते हैं कि फ्री फायर फुल डिस्प्ले में प्ले नहीं हो रहा है, तो गाइस ये प्ले होगा या नहीं इसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया। वैसे यहाँ पे सेटिंग में कोई भी ऑप्शन नहीं है कि प्ले कर पाएंगे, बट गाइस इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जरूर से देखिएगा, उसके बाद से आपके मन में डाउट होंगे जो भी इसके रिलेटेड, तो वो आपके डाउट निकल जाएंगे मन से दोस्त। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर के लिए हमें सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद गाइस डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नीचे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन का, इस पे टैप करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, गाइस इस पे हम सिंपली टैप करेंगे। और यहाँ पे टैप करने के बाद आप कोई भी नाम लिख सकते हैं या जो मन करे वो लिख सकते हैं गाइस, उसके बाद सेव कर देंगे। इसके बाद जब लॉक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो गाइस हमारा नाम दिख जाएगा, एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा नाम दिख रहा है वसीम शेख। तो गाइस आप चाहें तो ऐसे मतलब सेव कर सकते हैं अपना नाम या कुछ भी लिख सकते हैं आसानी से दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे
पे नेक्स्ट फीचर के लिए सिंपली उसी सेटिंग में जाना होगा, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। नीचे गाइस आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार, नेटवर्क स्पीड, डिस्प्ले, गाइस इसको आप सिंपली इनेबल कर देंगे तो जो नेटवर्क का स्पीड होगा, जैसे कि वाईफाई से कनेक्ट है या डाटा को ओपन किया है, तो उस टाइम पे जो नेटवर्क का स्पीड आता है कि कितना एमबी का यूज हो रहा है, तो यहां पे गाइस शो हो जाएगा। तो सिंपली आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, और ये गाइस काफी यूजफुल है, आप इसको जरूर से इनेबल कर लीजिएगा। अब दोस्त यहां पे अगर आप फोन को थोड़ा स्मूथ बनाना चाहते हैं तो गाइस डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाएंगे, उसके बाद से गाइस यहां पे अल्ट्रा टच का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको इनेबल करेंगे मतलब ओपन करेंगे, उसके बाद गाइस यहां पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे अल्ट्रा फास्ट पे सिलेक्ट कर देंगे। तो गाइस जब भी इसके बाद से स्क्रॉल करेंगे तो काफी ये फास्ट स्क्रॉल होगा, ऐसा यहां पे इन्फिनिक्स ने बताया है। और उसके नीचे ही गाइस एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको भी आप सिंपली फास्ट पे कर दीजिएगा ताकि जो भी टच करेंगे वो भी काफी फास्ट वर्क करेगा। तो इन दोनों सेटिंग्स को आप इनेबल कर लीजिए। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका रैम मतलब फुल हो जाए तो उसको कैसे क्लियर करना है, तो गाइस इसके लिए सिंपली सेटिंग में जाना होगा, और सिंपली सेटिंग में जाने के बाद यहां पे स्टोरेज वाले ऑप्शन जो दिखेगा इस पे आपको टैप करना होगा। यहां से गाइस आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटरनल स्टोरेज को भी क्लियर कर सकते हैं और चाहेंगे तो रैम को भी क्लियर कर सकते हैं। एज यू कैन सी रैम पे क्लिक करेंगे और वो क्लियर कर देगा और रैम आपका थोड़ा खाली हो जाएगा, तो ऐसे में गाइस आपका जो फोन लैग भी करता रहेगा उस टाइम पे थोड़ा ये स्मूथ वर्क करने लगेगा। रैम जब फुल हो जाता है और या स्टोरेज, तो गाइस उस टाइम पे ये थोड़ा मतलब लैगी फील होने लगता है, तो आप यहां पे सेटिंग में आकर सिंपली इन सभी को रिमूव कर सकते हैं जो भी रैम फुल हुआ होगा दोस्त। अब दोस्तों नेक्स्ट फीचर के लिए सिंपली सेटिंग में आना होगा, यहां पे गाइस ऑप्शन देखने को मिलता है डिजिटल वेलबिंग नाम करके, एज यू कैन सी इस पे टैप करेंगे और यहां पे टैप करने के बाद शो योर डाटा पे सिंपली क्लिक करेंगे, और यहां से गाइस आप देख सकते हैं कि अपने फोन को आपने कितना देर यूज किया है, किस ऐप को कितना देर यूज किया है, कितने नोटिफिकेशन आए, कितने बार अपने फोन को अनलॉक किए हैं, किस ऐप को कितना देर यूज किया है, किस दिन कितने घंटे फोन को यूज किए गए, सारी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप जरूर से देख सकते हैं अगर आप चाहे तो दोस्त। अब दोस्तों सेटिंग में हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है स्पेशल फंक्शन नाम करके, एज यू कैन सी इस पे टैप करेंगे, सबसे पहले देखने को मिलता है सोशल टर्बो। तो गाइस ये व्हाट्सएप से रिलेटेड है, अगर आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं तो गाइस वॉइस को चेंज कर सकते हैं, सबसे पहला जो ऑप्शन देखने को मिलता है। दूसरा जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो गाइस यहाँ पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, तो ये वॉइस चेंजर हो गया, सेकंड वाला देख सकेंगे, यहाँ से आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, गर्ल या फीमेल, ओल्ड, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस वीडियो ब्यूटी मोड देखने को मिलता है, वीडियो कॉल बात करते हैं तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और थोड़ा चिकना बना सकते हैं। गाइस यहाँ पे मिलता है पिक मोड, यहाँ पे गाइस कोई भी मैसेज डिलीट हुआ रहेगा तो वो आपको दिख जाएगा, कोई मतलब डिलीट भी कर देता है व्हाट्सएप पे उधर से, फिर भी आपको मैसेज यहाँ पे सेव रहेगा, तो आप यहाँ पे मैसेज भी देख सकेंगे अगर आप चाहें तो गाइस। तो इसको आप जरूर से इनेबल कर लीजिएगा, ये काफी यूजफुल फीचर है दोस्त। और इसी के नीचे दोस्त हमें मिलता है फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करते हैं तो व्हाट्सएप में मैसेज आएगा तो फ्लैश लाइट ब्लिंक होगा, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस गेम मोड मिलता है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पे स्मार्ट पैनल देखने को मिलता है जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वॉल्यूम बार्स या व्हाट्सअप कुछ भी आप मतलब टोगल में यूज़ कर सकेंगे, तो ये इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे गाइस मिलता है हमें थंडर बैक वाला फीचर जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, यूट्यूब में दो बार फिंगरप्रिंट पे टैप करने पे होता है गाइस। यहाँ पे एक्शन एंड जेस्टर को भी हमने बता दिया है, तो ये गाइस मतलब सभी फीचर्स आपको मैंने बता दिया है फिलहाल। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट फीचर के लिए हमें जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद गाइस सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस हमें देखने को मिलता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ एंड रीस्टार्ट, गाइस इसको आप मतलब इनेबल कर लेंगे तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कितने बजे आपका फोन स्विच ऑफ हो जाए ऑटोमेटिकली और कितने बजे आपका फोन टर्न ऑन हो जाए ऑटोमेटिकली गाइस। तो ये काफी यूजफुल फीचर है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना देर यूज करना हो उतना देर करेंगे और फिर ऑटोमेटिक ये फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस यहाँ पे नेक्स्ट फीचर के लिए भी इससे जो सिस्टम देखने को मिलता है इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे गाइस काफी आपको यूजफुल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे गाइस यहाँ पे देखेंगे सिस्टम यूआई डेमो मोड, अभी देखेंगे चार्ज कुछ 50% के अप्रॉक्स है, एज यू कैन सी 55% है, बट गाइस इस पे अगर आप इनेबल करते हैं तो ये 100 का 100 ही रहेगा। एज यू कैन सी इसको हम सिंपली इनेबल कर दिए तो गाइस ये देखेंगे अभी हमारा जो चार्ज है वो देखेंगे कैसे कि ये 100 हो जाएगा। तो गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया और ये आप चार्ज देख सकते हैं 100 हो गया। तो गाइस ऐसे आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं दोस्त। अब दोस्तों अगर आप गेम के दौरान FPS को देखना चाहते हैं कि कितना ये FPS प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि PUBG हो गया या फ्री फायर हो गया, तो गाइस इसके लिए आपको सिंपली यहीं पे देखने को मिलता है एक FPS वाला ऑप्शन। यहाँ पे गाइस एज यू कैन सी ये रहा हमारा फ्रेम रेट्स, गाइस
जिसको सिंपली अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको FPS देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम 60 हर्ट्ज पे हैं तो 60 ये शो कर रहा है। एज यू कैन सी 100 रिफ्रेश रेट जो ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके थ्रू आप आसानी से देख सकेंगे दोस्त। अब दोस्तों इसी में हमें एक और फीचर देखने को मिलता है, क्विक सेटिंग डेवलपर टाइल्स के, जिसको अगर आप मतलब टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंसर ऑफ। अगर गाइज इसको आप इनेबल कर देते हैं तो कोई भी आपका फ़ोन का सेंसर यूज़ नहीं होगा, मतलब कोई भी सेंसर यूज़ नहीं कर पाएगा, ना ही गाइज लोकेशन यूज़ कर पाएंगे, ना ही कुछ भी गाइज। तो ये काफ़ी सही फीचर है, अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं। और 100 टैप्स को इनेबल करेंगे यहाँ पे देखने को मिलता है, तो जहाँ पे भी टच करेंगे वहाँ पे आपको एक निशान देखने को मिल जाएगा, तो ये भी काफ़ी सही फीचर है दोस्त। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे 100 सेकेंडरी डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्वालिटी उसकी सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा कॉर्नर पे 720p 1080p अपने हिसाब से गाइज इसको देख सकेंगे, और स्क्रॉल करेंगे तो साथ साथ में वहाँ पे भी स्क्रॉल होगा एज यू कैन सी गाइज। तो ये कोई मतलब ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं गाइज। स्मॉलेस्ट विड्थ देखने को मिलता है यानी कि DPI, तो गाइज यहाँ पे आप चाहें तो DPI को यूज़ कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी चेक किया था यहाँ पे 700 पुट करके, तो गाइज ये आप यूज़ कर सकते हैं, DPI को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट करके दिखाया था पिछले वाले वीडियो में जब हम फ्री फायर टेस्ट किए थे या शायद से कंपेयर किए थे रेडमी 9 प्राइम के साथ में उस टाइम पे गाइस। और दोस्त आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्प्ले द नेम ऑफ ए स्पेसिफिक स्ट्रिंग गाइस, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे गाइस देखेंगे @#, मतलब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सभी सेटिंग्स से यहाँ पे देखेंगे तो @#, अजीब सा देखने को मिलता है, तो गाइस अगर आप चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं मस्ती के लिए दोस्त। और गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिक्योरिटी वाला, तो गाइस यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे री एंटर योर पिन करके गाइस यहाँ पे आप सिंपली फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं, फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, तो सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाकर आप सिंपली ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप फेस को अनलॉक करना है, फेस को लॉक लगाना है या फिंगरप्रिंट का यूज़ करना है तो आप सिंपली इस सेटिंग में जाकर कर सकेंगे बिना किसी दिक्कत के, अगर आपको ना ही मालूम होगा तो कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनको ये सभी फीचर्स के बारे में मालूम होगा, तो सोचा मैं उन लोगों के लिए भी बता दूं। यहाँ पे गाइस फेस अनलॉक के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है, और एज यू कैन सी गाइस यहाँ पे ऑलरेडी एक ऐप भी देखने को मिलता है फेस अनलॉक के लिए, जो ऐप देखने को मिलता है उसी में से भी आप कर सकते हैं दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे अगर आप चाहें तो इंग्लिश और हिंदी को ट्रांसलेट कर सकते हैं, हाई ट्रांसलेट एक ऐप देखने को मिलता है फ़ोन में गाइस। यहाँ पे आने के बाद सिंपली ये बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, यहाँ से गाइस इंग्लिश और हिंदी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिधर मन करे उधर एक्सचेंज कर सकते हैं बीच वाले पे टाइप करके। जैसे गाइस इधर इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में टाइप करेंगे, सिंपली लिखता हूँ हाउ आर यू ऑल, और ये गाइस देखिए ट्रांसलेट करेगा कैसे। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और सिंपली गाइस यहाँ से हम सर्च करते हैं, और एज यू कैन सी यहाँ पे ये आ गया आप सब कैसे हैं। तो इसके लिए गाइस इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पे आपको वॉइस भी सुन सकते हैं गाइस, अगर आप चाहें तो इसको मतलब ये हिंदी में भी बोल देगा तो आपको काफ़ी सही लगेगा दोस्त। सब कैसे हैं? आप सब कैसे हैं? और दोस्त अगर आप म्यूज़िक के फ़ैन हैं, अगर रेडियो आपको सुनना है तो गाइस यहाँ पे रेडियो के लिए एक अलग से ऐप देखने को मिल जाता है FM रेडियो, सिंपली आप ईयरफोन को प्लग इन करेंगे उसके बाद से गाइस यहाँ पे FM रेडियो का मज़ा ले सकते हैं। तो गाइस ये सभी फीचर्स काफ़ी कमाल के, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त। ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर उनको भी ये टिप्स और ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इंजॉय कर सकेंगे दोस्तों, ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ ही दोस्त यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त अलविदा।